दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो के अंदर। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, खूबसूरत से रोज के प्लांट हैं, जो कि इस समय मार्च का महीना चल रहा है और ये फ्लावरिंग करने के लिए रेडी हैं। आप मार्च के अंदर जो है गुलाब के प्लांट्स को अपने गार्डन के अंदर लगा सकते हैं, और ये अभी समय है जो काफ़ी अच्छा गुलाब के पौधों के लिए समय है। हमारे पास काफ़ी वैरायटीज हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सारे के सारे जो है इंग्लिश रोज हैं। ये देखिए, येलो कलर का रोज है इसका। इसका बर्ड जो है बहुत ही जल्दी खिलने वाला है। तो वीडियो में आगे चलने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक और शेयर साथ के साथ करते रहिएगा। तो गुलाब के प्लांट को जब भी आपने अपने गार्डन के अंदर लगाना है तो एक अच्छी सी वैरायटी का चयन करना है। इस समय जैसे कि मार्च का समय है और बहुत सारे रोज़ के प्लांट्स जो आप ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन के ऊपर, तो इसको लगाने के लिए आपने 50% है जो गार्डन सोइल का इस्तेमाल करना है, और उसके अलावा 50% जो वर्मी कंपोस्ट अपने इस गुलाब के पौधे को लगाने के लिए ऐड ऑन करनी है। ये दोनों चीज़ें ऐड करके आप अपने जो गुलाब के प्लांट को एक 18 इंच के गमले में, या आप इसको 12 इंच के गमले में ग्रो कर सकते हैं। और इसको ग्रो करने के बाद आप समय समय पर इसके अंदर जो फर्टिलाइजर्स ऐड ऑन करते रहिएगा महीने के अंतराल के बाद। अभी जो जिस प्रकार से समय है वो गुलाब का ही है। आप अपने गुलाब के प्लांट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए जो है इसके जो पौधे के अंदर 2 से 4 दाने DAP के, इसके जो जड़ से तकरीबन थोड़ी सी दूरी पर रख कर आप दे सकते हैं। अगर आप अपने इस गुलाब के प्लांट के अंदर DAP के दाने इसकी जड़ के पास देंगे तो ये प्लांट मर भी सकता है। तो आपने DAP का उपयोग जो करना है वो इसकी जड़ से तकरीबन थोड़ी सी दूरी पर रख कर करना है। फर्टिलाइज़र ऐड करने से पहले आप इसके अंदर जो है पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपका प्लांट जो है उसकी जड़ों को अच्छे से हवा लगेगी। हवा लगने से आपके प्लांट की जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी होगी, और आपने फर्टिलाइज़र ऐड ऑन कर देना है। ये देखिए, तकरीबन हर एक कलर का हमारे पास जो है गुलाब का प्लांट फूल है जो अवेलेबल है। ये ऑफ वाइट कलर का है। इसके अलावा ये देखिए, ये रेड कलर का जो फ्लावर है ये भी एक इंग्लिश वैरायटी है। इसके अंदर काफ़ी सारे कलर्स भी आते हैं, ये आप जो देख रहे हैं। उसके अलावा ये जो पीच कलर के अंदर गुलाब का प्लांट है, तो बहुत सारे हमारे पास अभी अवेलेबल हैं गुलाब के प्लांट। ये एक येलो कलर का जो फ्लावर है, गुलाब का फ्लावर है ये भी। ये सारी की सारी जो है इंग्लिश रोज़ की वैरायटी है। और एक ये आजकल बहुत फेमस जो गुलाब है जिसको टाइगर रोज़ भी बोलते हैं और इसको आबरा के डाबरा के नाम से भी जाना जाता है, ये आजकल बहुत ज़्यादा फैशन के अंदर है, ट्रेंड के अंदर है टेरेस गार्डन पे लगाने के लिए। देखिए, हमारे जितने भी गुलाब के प्लांट हैं इनकी पत्तियाँ जो बिल्कुल रेड हो रही हैं। रेड होने का मतलब ये है कि हमारा जो प्लांट है बहुत ज़्यादा स्वस्थ है और सर्दियों के अंदर फ्लावरिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दी रेडी है। और ये हमने इस प्रकार से देखिए छोटे छोटे पॉट्स के अंदर ग्रो करे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। ये सारा का सारा जो है प्लास्टिक का पॉट है, कुछ एक हमने पॉली बैग के अंदर भी ग्रो करे हुए हैं। ये देखिए, अभी ये छोटे हैं, तो आप देखिए अगर ये अच्छे से गमले के अंदर लगे होंगे तो ये बहुत जल्दी बहुत अच्छी संख्या के अंदर फ्लावरिंग करने शुरू कर जाएंगे। ये सारी की सारी वैरायटीज है जो हमारे पास रोज़ की है। उसके अलावा आप जो है
क्रीपर वाला रोज भी अपने गार्डन के अंदर एड ऑन कर सकते हैं। छोटे छोटे जो है बर्ड्स भी आ रहे हैं, ये देखिए येलो कलर का बर्ड है, फ्लावर है इसका, जो ये एक क्रीपर के रूप में चलता है, इसको कश्मीरी रोज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखिए, तो मार्च के अंदर आप अपने टेरेस के ऊपर जो है गुलाब के प्लांट्स को लगा सकते हैं इजीली, और इसकी केयर बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए एक पिंक कलर का जो रोज है, कितना ये खूबसूरत लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में अच्छी सी जानकारी के साथ, तब तक के लिए।